संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाणिनि शिक्षा के विषय में आज थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और आज ये अंतिम वीडियो आप मान सकते हैं। इतनी जो विषय बता दिए हैं इसमें पाणिनि शिक्षा में, उसी में से प्रश्न हमेशा आ जाते हैं। एक वीडियो और बनाने का हम प्रयास करेंगे, वो वेदों में स्वरों को कैसे उच्चरित किया जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है, हाथों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे संबंधित होगा, तो उसकी जानकारी लेंगे। उससे प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में आ जाएं, या आए हों तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं। सीधे हम श्लोक लेते हैं, उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे और इसके बाद में आपको सारे प्रश्न पाणिनि शिक्षा से मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो पहला श्लोक है, अचो स्पृष्ट यणस ईशन नेम स्पृष्ट शला स्मृता। अचो स्पृष्ट यणस ईशन नेम स्पृष्ट शला स्मृता शेष स्पृष्टा हलः प्रोक्ता। निबोध अनुप्रदानता। दूसरा श्लोक है, अमो अनुनासिका अहरो नादिनो हा झषा स्मृता। ईशन्नादा यण जशस ईशन्नादा यण जशस तू श्वासिनस खफादया। तीसरा है, ईषत् श्वासांश्च चरो विद्यात् गौ प्रचक्ष। चौथा है, अभी इसी में रहेगी एक लाइन, दाक्षी पुत्र पाणिनेयो येनेदम् व्याहृतम् भवे। ये अंतिम जो श्लोक है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है और उसमें से हर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य रहता है। ये तो केवल
वर्णों की व्यवस्था दी गई है जो हम जानते ही हैं इनके बारे में। चाशस्तु वदते मात्रा दुई मात्रम तु वायसः। शिखिरौती त्रिमात्रम तु नकुलस तु अर्धमात्रम। चार श्लोक हैं और एक बार उसको फिर शुरू से देखेंगे, लिखने में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती कभी कभी, तो उसको देखते हुए चलेंगे सही करते हुए, ठीक है। अचो स्पृष्टा यणस्तुष्यन्नेम स्पृष्टा शलाह स्मृता शेषाह स्पृष्टा हलह प्रयुक्ता निबोधा अनुप्रदानतः अमो अनुनासिका ह अरौ अहरौ नादिनो ह झष स्मृता ईशन्नादा यण चशस्तु श्वासिनस खफादया ईश्वा सांश चरो विद्यात गौर धाम इतत प्रचक्षते। दाक्षी पुत्रा पाणिनीयो येन इदं व्याहृतं भुवि चाशस्तु वदते मात्रा दुई मात्र चैव वायसा चैव वायसः। शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वर्ध मात्रकम्। अच, अच का मतलब होता है स्वर, अस्पृष्टा अस्पृष्ट, ठीक है। यण, यण में क्या आता है, यण प्रत्याहार है, या वा रा ला। तू ईषद, ईशत है इसमें, ठीक है, ईशत। नेम स्पृष्टा सलाह स्मृता शल, शल माता शा शा सा हा। सलाह स्मृता ये क्या है, नेम स्पृष्ट, ठीक। शेषा स्पृष्टा हलह, हल मतलब व्यंजन, क्या है ये स्पृष्ट है। प्रोक्ता निबोधा अनुप्रदानता, इन्हें जानने के बाद, निबोधा अनुप्रदानता का तात्पर्य है अब इस इनको जानने के बाद हम बाह्य व्यंजनों के, बाह्य वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे या जानेंगे। इतनी बात आपको समझ में अभी नहीं आई होगी, अब थोड़ा सा यहां जान लेंगे उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये दोनों पंक्तियां हैं, ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसमें बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा की गई है, हालांकि इन हमने बहुत अच्छे से इनको जान लिया है पहले भी। आप हमारे उसमें संज्ञा प्रकरण में जाएंगे तो आभ्यंतर और बाह्य प्रकरण के बारे में विस्तृत में समझाया है, उसमें देख सकते हैं। फिर भी हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अचह यानी स्वरों का अस्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है, अस्पृष्ट पाणिनि शिक्षा के अनुसार। स्पृष्ट हम जानते हैं कादि मावसान स्पर्शा सूत्र के द्वारा भी जानते हैं, इन्होंने कह दिया है कि हल व्यंजन स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, हला स्पृष्ट। अब अस्पृष्ट यहां पर जो प्रयोग किया गया है, संज्ञा प्रकरण में हम स्वरों को विवृत के अंतर्गत रखते हैं, विवृत बना मानते हैं उनको, ठीक है। तो आप उस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं कि यणस्तु ईशत यानी यण या वाराला, यणस्तु ईशत स्पष्टा यानी स्पृष्ट इसमें भी है, ईशत स्पृष्ट और नेम स्पृष्ट। नेम शब्द क्या है, यहां नेम शब्द को थोड़ा जान लें, नेम का मतलब होता है अर्ध, है ना।
अर्ध स्पष्ट किसका है? शल का। यहां स्पष्ट जो शब्द प्रयोग किया गया है, अगर स्पष्ट को थोड़ा सा हटा दें, उसकी जगह विवृत रख दें, तो हमने जो अध्ययन किया है वो समझ में आ जाएगा। अचौ का आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्पष्ट अस्पष्ट की जगह हम क्या रखते हैं? विवृत रखते हैं। तो ये विवृत हो गया प्रयत्न। यण का ईषत विवृत हो जाएगा और शल का अर्ध स्पष्ट या अर्ध विवृत हो जाएगा। ठीक है ना? बस हमने केवल क्या किया है, स्पृष्ट जो शब्द है स्पृष्ट है, उसकी जगह विवृत शब्द को बदल दिया है, तो बात साफ हो जाएगी। लेकिन अगर परीक्षा में आएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखना है। अचों को अस्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है पाणिनि शिक्षा के अनुसार, और यण को ईषत स्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है, शल को अर्ध स्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है, शेष जो भी बचे हाल में व्यंजन, शेष जो भी व्यंजन बचे उनको स्पृष्ट के अंतर्गत रखा गया है, ऐसा कहा गया है। इनको कहने के बाद निबोधा अनुप्रदानता, इसका तात्पर्य है कि अब इसके बाद में हम आगे बाह्य प्रयत्नों को जानेंगे। अर्थात ये दो हैं, चार पंक्तियां जो हैं उनमें बाह्य प्रयत्नों की चर्चा की गई है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अच स्पृष्ट, यण ईसत स्पृष्ट, नेम स्पृष्ट अर्थात अर्ध स्पृष्ट शल, शेष इनको छोड़कर के जो भी व्यंजन बचते हैं वो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या वाराला ईसत स्पृष्ट या ईषत विवृत के नाम से भी जान सकते हैं इसको, अर्ध विवृत या नेम स्पृष्ट या अर्ध स्पृष्ट शलों को शशसह, और अच अस्पृष्ट या विवृत, और हल जो बच्चे व्यंजन इनको छोड़ करके जो भी व्यंजन बच्चे वो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। वहां सूत्र था कादि मापसान स्पर्शान का से लेकर के मा तक स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, ये दो पंक्तियां साफ समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा से मिटा दूं। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या है, अलग अलग पाणिनि शिक्षाओं में अलग अलग व्यवस्था दे रखी है, कहीं कहीं अम दे रखा है और कहीं कहीं यम, यमंगणनम। अब अम प्रत्याहार और यम प्रत्याहार में अंतर हो जाता है, वो मैं अभी चर्चा करूंगा तो पता चल जाएगी। अम अनुनासिका अर्थात ये कौन क्या है? अनुनासिक। अम प्रत्याहार क्या है? अनुनासिक कहलाते हैं, अर्थात इनका प्रयत्न अनुनासिक है। लेकिन अहरऊ अर्थात हा हकार और रेफ को छोड़ करके, क्योंकि अम प्रत्याहार के अंतर्गत हा और रा भी आता है, इन दोनों को छोड़ देंगे तब जो अम प्रत्याहार में वर्ण बचेंगे अक्षर बचेंगे वो अनुनासिक कहलाएंगे। आई उन से लेकर के यमंगणनम तक जो भी वर्ण आएंगे अक्षर आएंगे प्रत्याहार में सूत्रों के द्वारा, उनमें से हा और रा को छोड़ करके जो भी वर्ण बचेंगे वो अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे, अर्थात उनका प्रयत्न अनुनासिक होगा। ये इसका इतना तात्पर्य है। ठीक है, आरव का मतलब समझ आ गया होगा, हा और रा को छोड़ करके। अगली पंक्ति में, अगली इसी में कह रहे हैं कि नादिनो हा झषा स्मृता, यानी कि हावर्ण यानी हकार, या इसको ऐसे लिखिए हावर्ण लिख लो इसको, हावर्ण और झस प्रत्याहार। झस में क्या आया? झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इनको नाद प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? ये नाद प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, संवार नाद घोष, यहां नाद से तीनों को ताक पर लगा लीजिए आप, संवार नाद और घोष,
ये याद रखना है, तीनों आ जाएंगे। नाद से संवार और घोष को भी यहां ले लिया जा सकता है। ईषद नाद यणः जशस, यानी कि ईषद नाद, ईषद से तात्पर्य जानते हैं आप, ईषद का मतलब होता अल्प, ईषद का मतलब थोड़ा अल्प, नेम का मतलब होता अर्ध आधा, इसी से तो बना है नेम शब्द से, नीम फारसी में जो शब्द है नीम, हकीम खतरे में जान, अर्थात आधा हकीम आधा वैद्य और दूसरे व्यक्ति की खतरे में ऊपर जाती है जान। यदि यदि आधा जानकार हो, किस वैद्य आधा वैद्य हो, आधा ही जानता हो, तो वो भयंकर हो जाता है, अर्ध विद्या भयंकरी। तो ईषद का मतलब अल्प होता है, थोड़ा। तो ईषद नाद यण जशस, अर्थात यण और प्रत्याहार और जश, ये दोनों प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो ईषद नाद कहलाएं, ईषद नाद उनका प्रयत्न रहेगा। ऊपर वाले हावर्ण और झश जो वर्ण थे वो नाद के अंतर्गत थे, और यण और जश दोनों प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वो ईषद नाद प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यण में या वाराला और जश में ज व ग र द, ठीक, ये है वर्ण, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ईषद नाद प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। आगे कह रहे हैं तू श्वासिनस खफादया, यानी कि ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, ये किस में आएगा, श्वासिन में, अर्थात श्वास में। श्वास उसका जो होता है, इसमें हो गया संवाद, संवाद कह रहा हूं, संवार होता है, संवाद नहीं होता है, संवार होता है, नाद संवार घोष, तो इसमें श्वास अघोष एक और होता है, एक होता है विवार, ये दोनों को जानना चाहिए। इसके साथ में जैसे नाद के साथ में संवार और घोष को जाना, ऐसे श्वास के साथ में अघोष और विवार दोनों को, बाह्य प्रयत्नों को जानना चाहिए। ले लेते हैं इनको, तो ख फ छ ठ थ ये जो है ये बाह्य प्रयत्न में श्वास अघोष और विवार के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार और बताता चलूं, अम प्रत्याहार, या इसमें अम प्रत्याहार भी रख सकते हैं, अम में आयुण से लेकर के यमंगणनम तक है, या कहीं कहीं यम प्रत्याहार है तो यमंगणनम केवल आएगा, उसको नासिक प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। यदि अम प्रत्याहार को लेंगे तो उसमें अहरव हा और रा वर्ण आ जाएंगे, तो उसको हटा करके, उसको छोड़ करके अनुनासिक होंगे। नाद यानी नाद के अंतर्गत हा झश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को जानना चाहिए, और ईषद नाद यण और जस प्रत्याहारों में आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान होगा या प्रयत्न होगा। श्वास खफादया यानी ख फ छ ठ थ ये श्वास के अंतर्गत, प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ईषद श्वास सांश्च सांश चरो विद्या, यानी कि ईषद, अब इसमें हमने जैसे नाद जाना उसके बाद में ईषद नाद जाना, ऐसे श्वास जान लिया तो ईषद श्वास और जान लीजिए। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं इसको, ईषद, ईषद श्वास के अंतर्गत आने वाले हैं चर, चर प्रत्याहार, और चर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, चट त क क प य श स सर तक, ठीक, चट त क प श स सर, ये दो तीन इसमें सूत्र लग जाएंगे, चट तब कपाय शस सर,
इनमें जो वर्ण आएंगे वो चर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और ईषद श्वास इनका प्रयत्न रहेगा, अर्थात चरों को ईषद श्वास के नाम से भी जानना चाहिए। ठीक है, अब बात आ रही है गौर धाम एतत् प्रचक्षते। गौ का मतलब होता है जो कुछ यहां बोला गया बताया गया यह उनका धाम कहा है। प्रचक्षते मतलब कहा है, किसने कहा है? इस शास्त्र का धाम एतत् प्रचक्षते ऐसा कहा है इन्होंने। दाक्षी पुत्र पाणिनेयो ये निधम व्याहृत भूमि, और दाक्षी पुत्र पाणिनि ने, दाक्षी के पुत्र माने जाते हैं पाणिनि जी, उन्होंने इसको सारे संसार में पूरे विश्व में मान के चलिए उसको व्यवहार में लाए। किसको लाए? इन वर्णों से प्रयुक्त शास्त्र को जो पाणिनि शिक्षा के नाम से जानी जाती है। आज जो भी जितने भी वर्ण बताए गए हैं वो उनको समाप्त हो गई है, इसलिए इन्हें कहा है कि ये भी जो इनका शास्त्र है वो इनका धाम है, उनका स्थान है, और इस शास्त्र को पाणिनि जी ने पूरे संसार में व्यवहारिक बनाया। ठीक है, ये इनके श्लोकों के अर्थ हो गए। ये बहुत प्रमुख श्लोक है, इसमें से आपको एक अवश्य मिल जाएगा, इसको बहुत ही याद उम्दा तरीके से आप कंठस्थ करना, क्योंकि इसके बिना आप एक क्वेश्चन जरूर छोड़ बैठेंगे। इसमें बोला गया है चासस तु वदते मात्रा, चासस बोला गया है नीलकंठ को। ठीक है, नीलकंठ जो होती है एक मात्रा का प्रयोग करती है, एक मात्रा, हमने स्वरों को जाना है, एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्वि मात्रा दीर्घ उच्चते, यानी एक मात्रा ह्रस्व होता है, द्वि मात्रा जिसमें प्रयोग किया जाए वो दीर्घ होता है, तीन मात्रा या तीन से अधिक मात्रा जिसमें प्रयोग किया जाए वो प्लुत होता है, और अर्ध मात्रा वो व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये जाना है। लेकिन कौन से पक्षी कौन से जानवर किस वर्ण का उच्चारण कितनी मात्रा को उच्चारण करते हैं वो इस श्लोक में देख रखा है। चासस्तु बदते मात्रा, यानी कि नीलकंठ एक मात्रा का प्रयोग करती है, द्वि मात्रा चैव वायसा, यानी कि जो कौआ है जिसको हम कौआ बोलते हैं वो द्वि मात्रा का प्रयोग करता है, अर्थात दो मात्रा का समय जो वर्ण बोलने में लगते हैं दीर्घ मान के चलिए, दीर्घ स्वर जो होते हैं द्वि मात्रा के अंतर्गत आते हैं, तो उनको कौआ उसका उच्चारण करता है इस तरह से। शिखी रोती त्रिमात्रम, शिखी कहते हैं मोर को, और मोर जो है तीन मात्रा का प्रयोग करता है, अर्थात प्लित स्वर को ये उच्चारण करता है, जैसे प्लित का उच्चारण होता है वैसे ये मयूर करता है, मोर करता है। नकुलस तो अर्धमात्रकम, और नेवला क्या करता है? अर्धमात्रा का प्रयोग करता है। अब अर्धमात्रा से प्रयोग तत्पर व्यंजन का वो उच्चारण करता है ऐसा मान के चलिए। तो हमें एक मात्रा यानी कि हिरस्व स्वर, द्वि मात्रा दीर्घ स्वर, त्रिमात्रा प्लुत स्वर, अर्धमात्रा व्यंजन, इनका प्रयोग करने वाले ये पक्षी और जानवर हैं, इस तरह से ये श्लोक बताया गया है। इसके बाद में आपको कुछ भी पाणिनि शिक्षा में नहीं बचेगा, ये अगर आपने याद कर लिया तो एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। 10 साल तक के पेपर देखिए, उसमें से याद करिए, और वीडियो में देखिए कौन सा प्रश्न छूट रहा है। यदि वो पाणिनि शिक्षा से संबंधित है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे पाणिनि शिक्षा में हमने जो श्लोक छोड़ दिए हैं जो हमें नहीं लगे कि इनको नहीं पढ़ाना है, कोई मतलब नहीं है उनका, और जो आगे आने वाली एक वीडियो और बनाएंगे वो केवल स्वरों से संबंधित है, उदात अनुदात और स्वरित, उनका उच्चारण हाथों से कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन सा उदात स्वर उच्चारण किया जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा उंगली, इस तरह से वो प्रयोग किए गए हैं, तो उसको बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि उसका अभी तक उदाहरण नहीं देखा गया है। खैर, जो भी है वो समझाने का प्रयास किया है, और इसमें मैंने पहले ही बताया है कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अगर आप श्लोक पढ़ लेंगे एक बार तो आप भी अर्थ लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।